नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध नहीं था। नंबर दो, एक संवैधानिक अधिकार क्षेत्र है जो हर एमपी का, जिसमें अधिकतर कांग्रेस के एमपी थे, उन्होंने वो अपना संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया, इन्वोक किया एक महाभियोग का आरोप लगाने के लिए। वो नहीं सफल हुआ, उसके बाद वो मुद्दा अंत हो जाता है। नंबर तीन, अगर आप इस लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो उसका अभिप्राय यह होगा कि एक बार अगर अमुक सांसद, और ये एक्चुअली सांसद होते हैं, कोई पार्टी नहीं करती, बट सांसद होते हैं किसी पार्टी के जो करते हैं ये महाभियोग, अगर एक बार सांसद इसको इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद कम से कम अक्टूबर 2018 तक वो उच्चतम न्यायालय के पास नहीं जा सकते, क्योंकि तब तक माननीय मुख्य न्यायाधीश वहां बैठे हैं। ये तो अजीबोगरीब बात होगी। एक बात है उनके संवैधानिक महाभियोग अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करना, दूसरा बिंदु है उनकी जो भी मानव अधिकार हैं, हक हैं, उसके लिए सिर्फ एक ही न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तो वहां जाना स्वाभाविक है। इसलिए ये समझना कि हमने परमानेंटली एक उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध अविश्वास पत्र कर दिया, ये बिल्कुल मिथ्या प्रचार है। डॉक्टर स्वामी, ये कांग्रेस का जो शिफ्टिंग स्टैंड है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड डॉक्टर सिंघवी के पास बड़ा एक तौर से लीगल आंसर आ जाता है हर चीज के लिए, अभी हम देख रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज का जो गठबंधन चल रहा है कर्नाटक से जो शुरू हुआ है, उसके बारे में आप, बिकॉज द होल कॉमन प्लेटफॉर्म का एक ही आइडियोलॉजी है कि मोदी के खिलाफ, ये आइडियोलॉजी स्टिक करेगी 2019 तक? आइडियोलॉजी ना हो फिर भी गठबंधन चल सकते हैं, दुनिया में कई जगहों में चलते हैं, परंतु यहां तो एक कोशिश की थी ऐसे कुछ गठबंधन करने की 98 में। हाँ, लेकिन यहां क्या है कि पहले दिन ही कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है कि ये 5 साल के लिए नहीं है, तो एक बात यह है। दूसरा है, देवगौड़ा के दिमाग में 1996 की अनुभव अभी भी स्मरण होगा, वो है कि प्रधानमंत्री बनाई कांग्रेस की मदद से, 1 साल के बाद उनको हटने का, फिर वो सरकार गिरी, फिर उसके बाद इंदर गुजराल को लाए और उस सरकार को भी गिराया इस कारण से कि डीएम के मंत्री थे और उनके ऊपर संदेह है कि वो उन्होंने राजीव गांधी की हत्या में शामिल थे, और सरकार गिरने के बाद थोड़े दिन के बाद उन्होंने डीएम के से अलायंस कर ली। तो कांग्रेस जिस गठबंधन में है वो कभी स्थिर नहीं हो सकती है, तो इसीलिए हम कांग्रेस इस सरकार को गिराकर फिर हमारी सरकार 2-3 महीने में बनने, इसकी हम इंतजार में हैं। जैसा कहते हैं कि गालिब ने कहा कि अच्छे हैं ख्याल बहलाने के लिए, इसी आशा पे चले बीजेपी कर्नाटक में, अच्छी बात है। डॉक्टर सिंह, उन्होंने एक तो सही पॉइंट बोला कि आपने अभी सरकार बनी ही नहीं है, आपने कहा हु सेड के 5 साल के लिए कुमार स्वामी सीएम बनेगा। देखिए, आप अगर किसी को मिसकोट करेंगे तो उससे सत्य बदल नहीं जाता। उनसे पूछा गया कि क्या आपने निश्चित कर लिया कि रोटेशन होगा कि नहीं, अभी तक इस मुद्दे पे कोई निर्णय नहीं हुआ, अभी हम सुशासन देने में लगे हैं, कोई निर्णय नहीं हुआ है, उसको प्रचारित किया जा रहा है ये कहने को कि हमारा जो समर्थन है वो 2.5 साल के लिए सिर्फ, ये तो मिथ्या प्रचार हो गया ना। बात प्रश्न पूछा गया कि क्या आपका रोटेशनल सीएम का संभावना है, तो अभी वो संभावना रूल आउट नहीं हो सकती, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने बेचारा यही कहा, 5 साल के लिए रूल निश्चित तो नहीं हुआ, ये तो तय हो गया ना। नहीं, 5 साल तक सरकार सुशासन देगी, संबल होगी और बहुत सबल होगी, ये तो निश्चित है। ये निश्चित नहीं हुआ कि रोटेशन होगा कि नहीं मुख्यमंत्रियों। स्वामी ने तो रोटेशन पे ही बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा था, उनके लिए तो ये बहुत अहम मुद्दा है। ऐसा है, उन्होंने कहा कि निर्णय नहीं हुआ है, और ये सत्य बोले वो, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारे 3 निर्णय हुए हैं कि ये होंगे मुख्यमंत्री, मैं होऊंगा उप मुख्यमंत्री, और ये मंत्रिमंडल में लोग होंगे, तो इसमें क्या गलत बात है? इसको अगर अब देखिए, मैं समझ सकता हूं कि बौखलाहट है, घबराहट है बीजेपी में कि अगर इतना होने के पास निकट होके भी वो सरकार नहीं बना पाए, तो उस बौखलाहट को इस ये कह के नहीं निकाल सकते वो कि साहब ये सरकार में एक घटक समर्थन दे रहा है 2.5 साल के लिए, ये तो बिल्कुल डिस्टॉर्शन होगा, मिथ्या प्रचार होगा जो उन्होंने कहा उसका। अच्छा, दूसरी बात जो डॉक्टर स्वामी ने रेज करी थी जिसका आपने जवाब नहीं दिया, कि कांग्रेस हमेशा अनस्टेबल होती है, हमेशा सरकार गिराती है, जिसमें वो लीड नहीं करती वो सरकार वो गिरा देती है। देखिए, अभी नेहरू जी के समय के बाद पहली बार 10 साल सत्तारूढ़ सरकार ने अपने आप को रिपीट किया है,
इसको अगर आप अस्थिरता की परिभाषा कहती हैं तो मैं इसको विकृत मानूंगा। दूसरा, अस्थिरता हमने कई बार देखी जनता दल 77 में, जब बहुत सक्रिय थे मेरे मित्र स्वामी जी, उसका हिस्सा कौन थी? बीजेपी भी थी। अनैतिकता की अगर बात करें तो जनता दल में ये सब लोग थे बीजेपी के साथ, वो कितनी स्थिर थी आप जानते हैं। तीसरा उदाहरण, वाजपेयी जी की सरकार 98 की कितनी स्थिर थी आप जानते हैं। तो अस्थिरता पे हमारे को कोई सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं है, स्थिरता के कारण ही पोस्टपोन अलायंसेस बनते हैं। देखिए, अलायंस गठबंधन कोई परफेक्ट हल नहीं होता, किसी को शौक नहीं उसका, ये कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन उस पर स्थिरता देने के लिए ही माना गया है कानून में कि यदि आपका प्री पोल गठबंधन नहीं है तो कम से कम पोस्टपोन बनाई, क्यों? जिससे अस्थिरता न हो चुनाव के लिए वापस। एक तो डॉक्टर स्वामी, इनके पास एलायस तो आ रहे हैं, बीजेपी के जो एलायस घट रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, इससे आपको थोड़ी चिंता तो होनी चाहिए। एलायस सब तो नहीं जा रहे, बच्चे कुछ दो ही हैं, उद्धव ठाकरे भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी इस अगले चुनाव एक अपने जो मूल सिद्धांत है उस पर लड़ेंगे, माने हिंदुत्व। उसमें शिवसेना कितना भी गरजते रहे परंतु हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, लाए उनको गठबंधन में, उसमें मेरा बहुत बड़ा हिस्सा था, तो मैं उनका मंशा जानता हूं। वो दुखी है सिद्धांत के आधार पर नहीं, दुखी है कि जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, वो करेक्ट हो सकता है और होगा भी, लेकिन हम लोग समझते हैं कि अगले इलेक्शन में हिंदुत्व की आधार पर चुनाव में हम उतरेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा। आपने कहा है कि आपका जो अगला चुनाव होगा वो हिंदुत्व पे ही होगा, तो ये डेवलपमेंट की जो बातचीत होती है और जो बातें होती हैं वो सेकंड सीट लेंगी, लेकिन हिंदुत्व, राम मंदिर, ये आपका मेन फोकस होगा। हमारे जो पिछले 70 साल की चुनाव हुए हैं उसकी अनुभव यह है कि जैसे मोरारजी देसाई ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया था, दामों को ऐसा कम किया था कि लोगों को राशन कार्ड भी ढूंढना पड़ा, तब भी वो हारे। नरसिम्हा राव ने सबसे 5 साल के किसी काल में सबसे अच्छा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिया था, बुरी तरह हारे, पार्टी की शक्ति आधा हो गई। फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी इंडियन शाइनिंग बोलते रहे, सब जय जयकार भी होती थी अखबारों में, और उनको भी बीजेपी की शक्ति आधा हुई। स्टेट्स में भी एसएम कृष्णा बहुत रिफॉर्म्स लाए थे कर्नाटक में, वो भी हारे, चंद्रबाबू नायडू भी हारे। तो मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक जो सेंटिमेंट है जिससे कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, घूमते हैं, बोलिंग बूथ में बैठते हैं, उनको किराए में नहीं लेना होता है जैसे कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है, तो ऐसे पार्टी को हम निर्माण, अब काडर बेस्ड पार्टी है, उसको उत्साहित करने के लिए हिंदुत्व के मुद्दा पर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो डॉक्टर स्वामी ने बिल्कुल सीधा सीधा बोल दिया। वैसे बाकी बीजेपी नेता आते हैं बोलते हैं कि हमारा यूजर नेम है डेवलपमेंट, लेकिन पासवर्ड उनका होता है हिंदुत्व, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर स्वामी ने सीधा बोल दिया हमारा यूजर नेम पासवर्ड हिंदुत्व ही होगा, वी विल नॉट प्रिटेंड अबाउट इट, वी विल जस्ट गो स्ट्रेट ऑन दिस एजेंडा। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? आपने दो प्रश्न पूछे थे, पहले तो पूछा था रूठे हुए गठबंधन के पार्टनर्स के बारे में और दूसरा पूछा था हिंदुत्व के बारे में। पहला वाला को ज्यादा सूट करता है। पहले वाले में सिर्फ मैं एक वाक्य बोलूंगा कि वो एक होता है ना फैमिली लॉ में, एक तो डिवोर्स होता है, एक पार्टनर की जुडिशियल सेपरेशन भी हो सकता है डिवोर्स के पहले। तो अभी कई सारे जो इनके सो कॉल्ड एलाइज हैं जिनके नाम भी लिया आपने अभी, उनमें से सबके साथ जुडिशियल सेपरेशन तो निश्चित भी चल रहा है, रूठे हुए बैठे हैं। डिवोर्स न हुआ हो वो अलग बात है, कब वो प्रादुर्भाव होता है जुडिशियल सेपरेशन का वो देखने वाली बात है। जहां तक दूसरी सवाल का प्रश्न का सवाल है, मैं समझता हूं कि मैं हमेशा से दाग देता हूं स्वामी जी को कि वो बड़े स्पष्ट हैं इन मामलों में। जो लुके छिपे घुमा फिरा के लोग बोलते हैं बीजेपी के, उन्होंने स्पष्टता बोली, इसमें नई बात क्या है? ये बताइए मुझे आप, कौन सा चुनाव है जो बीजेपी ने इस आधार पर नहीं लड़ा है? मैं इनको कॉम्प्लीमेंट देता हूं, उन्होंने जो सत्य है, जो सर्वविदित सत्य रहा है कई चुनावों से, उसको उन्होंने प्रादुर्भाव कर दिया स्पष्ट रूप से, तो वो तो इन्होंने कहा, लेकिन ये सत्य से नहीं बदलता ना। आप उसको 5-7 चीजों में कैमोफ्लेज कर ले, उसे बदलता नहीं है सत्य। और उन चुनावों का एक बार अगर मोदी जी जीत गए तो कितनी
जितनी बार बीजेपी हारी भी तो है उसी आधार पे, आधार तो वही है, ये भी मानते मैं भी मानता हूं, उस आधार पे कितने बार हारे हैं कितनी बार जीते हैं ये आपको देखने वाली बात है। अब उसको ये बात सही है कि ये कह रहे हैं कि कैमोफ्लाज नहीं करते तो हम जीत जाते, अब ये तो किसी ने देखा नहीं है, आज भी जब चुनाव होगा तो कैमोफ्लाज तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, कौन है वक्ता जो आपके सामने स्पष्ट ये बात मानता है। तो अगर ये बात है तो कम से कम रेशो 90 और 10 का रेशो है, 10% और 90% का, कि क्या इसका परिणाम हुआ है। एक बार मोदी जी जीते हैं कई कारणों से, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये समझना कि बार बार ये होगा ये बहुत गलत धारणा हो। बट डॉक्टर स्वामी कह रहे हैं कि 2014 आल्सो उनकी जीत हिंदुत्व को लेकर कुछ हिंदुत्व एंटी करप्शन एंड गवर्नेंस इन दैट ऑर्डर। तो अगले चुनाव में कैसे ऑर्डर होगा? हाँ तो वही है, पहले हिंदुत्व हुई जिसमें जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर तो मैं समझता हूँ इस साल बनने की कार्य शुरू हो जाएगी, इनके अड़चन के बावजूद उसमें हम कोर्ट में जीतने वाले हैं। राम सेतु को बचाने की बात की, अड़चन आई थिंक डॉक्टर सिंघवी की नहीं थी, उनके एक और कॉलीग ने करी थी, आई डोंट थिंक उनकी उसमें पार्टी लाइन। और राम सेतु को बचाने की बात ही कर दी है, बाकी रह गया 370, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में 2014 में शामिल हैं। और मैं आपको बताने चाहता हूं कि जो कहते हैं हारे हैं जीते हैं, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी से एक हिस्सा निकल के जो जनसंघ के अधिकांश लोग थे उसमें गए, और सिद्धांत चुना था अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीयन सोशलिज्म, इसीलिए मैं नहीं गया, मैंने कहा ना मैं गांधीयन हूं ना मैं सोशलिज्म का कभी पक्ष में रहा हूं। और जब इन चुनावों के परिणाम आए 1984 में, 2 सीट ही मिली थी, फिर अशोक सिंगल ने राम मंदिर मूवमेंट स्टार्ट की और उसमें राजीव गांधी ने मदद कर दी क्योंकि टेलीविजन में उन्होंने रामायण की सीरियल चला दी तो चेतना जग गई सबकी। और जब 1989 में इलेक्शन हुई हमें 97 सीट्स मिली थी और रिपीट हुई थी 91 में 114 हो गई थी और फिर बढ़ते गई और आखिर में हम पहुंचे मेजॉरिटी में, अपने अकेला मेजॉरिटी। तो जितना हम हिंदुओं को जाति से ऊपर उठकर, प्रांत के दृष्टिकोण से ऊपर उठकर, भाषा के आधार पर उठकर से उठकर ऊपर उठकर ऐसा हम करते जाते हैं उतनी हमारी सफलता भी बढ़ते जा रही है। तो राम मंदिर से कह रहे हैं कि इनसे इनको पकड़ होती है, चुनाव जीतते हैं, इसीलिए शायद राहुल गांधी भी आजकल मंदिर जा रहे हैं। देखिए पहला उत्तर तो मैंने दे दिया आपको कि आपने पिछले 70 साल के चुनावों का परिणाम देख लिया है, जब से बीजेपी और बीजेपी का पूर्व अवतार हुआ है सिर्फ चुनाव इसी आधार पर लड़ी है, कितनी बार जीती है 2 बार और कितनी बार सरकार बनाई है 2 बार, कितनी बार हारी हो गिन लिया आपने। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण उत्तर है, देखिए जो सरकारें बनी है बीजेपी की, गठबंधन की हो या स्वतः हो, उसमें हिंदुत्व के मुख्य क्या मुद्दे हैं? 370 आर्टिकल, 300 अनुच्छेद 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, 2-3 और जोड़ लीजिए इसमें। तो मैं आपके सामने इनकी आडंबर, इनका मिथ्या प्रचार एक्सपोज करना चाहता हूं। ये 5 साल वाली पुरानी सरकार, लगभग 4 साल की ये सरकार और पूर्व की जो बहुत थोड़ी बहुत गठबंधन की सरकारें हैं, उनके सरकार बनते ही एक दूर का शेल्फ ढूंढते हैं जहां बहुत डस्ट होता है, वहां ये तीनों चीजें रख देते हैं। आपने सुना है कुछ नाम कार्य इन तीनों के ऊपर? हां, जब चुनाव आता है तो अचानक राम भगवान याद आते हैं, अचानक 370 याद आता है, अचानक यूनिफॉर्म। उपलब्धि क्या है? लगभग अब 9 साल की तो सीधी सरकार है इनकी, वाजपेयी और मोदी को मिला के, उसके अलावा गठबंधन की और सरकारें हैं जिनमें इनका हिस्सा था या समर्थन था, इसमें किसी में भी कुछ भी लेश मात्र भी उपलब्धि नहीं है। तो निश्चित है कि ये एक राजनीतिक रोटियां पकाने का, सनसनीखेज करने का तौर तरीका है, सिंसेरिटी नहीं है। इंडिविजुअल में हो सकती है, पार्टी में नहीं है। तो ये मंदिर भी जाना रोटी पकाने के लिए गए? बिल्कुल नहीं। आपने देखा नहीं कितनी बार शुरुआत से इंदिरा गांधी जी के पहले से नेहरू जी से लेके अभी तक मंदिर जाया करते थे? फर्क यह हुआ
कि इस बार मोदी जी ने कहा कि हम ये जताएं कि हमारी मोनोपोली है सिर्फ। अरे भाई हिंदू तो मैं भी हूं, मैं क्यों दूं? मेरा सबसे फेवरेट कलर जानते हैं आप कौन सा है? भगवा ऑरेंज। तो लोग कहते हैं कि भाई आप बीजेपी के रंग पहनते हैं, तो मेरा उत्तर होता है कि भाई ये कब से मोनोपोली दे दी आपने कि हिंदुइज्म की मोनोपोली एक पार्टी के पास है? हमारे देश में बड़ा शुभ रंग है। तो ये समझना मिथ्या प्रचार है, आप अपने मन में समझिए ये। लेकिन राहुल गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके सोनिया गांधी से लेके इंदिरा गांधी से लेके नेहरू जी हजारों सैकड़ों बार गए मंदिर, ये आपने नोटिस अब किया है, तो ये अलग बात है। फिर आप घोषणा कर रहे हैं कि सोनिया और राहुल हिंदू हैं, ये कह रहे हैं आप? सोनिया जी ये कभी नहीं कह रही हैं, बाकी सब लोगों ने कई बार कहा है, आपने सुना नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है वो आप वाले परिभाषा वाले हिंदू नहीं है। हमें गर्व इस बात का है कि हम हिंदू हैं, लेकिन थोड़ी परिभाषा की फर्क है, और वो परिभाषा अगर समझ लें आप तो आप भारत की अस्मिता समझ लेंगे। नहीं नहीं, आप परिभाषा सुनाइए फिर, तो कौन सी परिभाषा है वो? परिभाषा के लिए और विवेचन करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोग्राम हिंदुत्व पे नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आप वाली परिभाषा नहीं है, हम अपनी परिभाषा को गौरवशाली मानते हैं। अच्छा, हम सुखी हैं कि हम हमारी परिभाषा पर अब नहीं जा रहे हैं, आप एक खोखा 420 वाली परिभाषा में जा रहे हैं। आपका मत है, आपका मत है। देखिए, पर ये करप्शन का जो टैग, यू थिंक डॉक्टर स्वामी अभी भी चुनाव पे काम करता है? बिकॉज वी सॉ कर्नाटक में दोनों पार्टीज ने करप्ट कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे, ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ने दिया था। लोगों के माध्यम में क्या हम सिनिकल हो गए हैं कि करप्शन तो होता ही है, लेट्स चूज फॉर अदर थिंग्स? नहीं, टिकट नहीं देना चाहिए था, बट वी आर नॉट येट परफेक्ट, सुधरते आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हमने हिंदुत्व के लिए शब्द भी नहीं बोला था, और राम मंदिर के लिए हमारे लोग इतने दुखी थे कि कार्यकर्ताओं ने काम भी नहीं किया, ये मैं जानता हूं। अशोक सिंघल कितने मेरे पास यानी अपने दुख व्यक्त करने के लिए आए थे। राम सेतु को बचाने के लिए भी मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, बीजेपी से कोई नहीं गया था। तो वो बदल गया है, अब हम अग्रसर हैं, ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने के लिए हमने कदम उठाई है, तो धीरे धीरे हम कर रहे हैं। और जितना हम करेंगे और जितना ये हीन भावना हिंदुत्व के शब्द उपयोग करने में हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, उतना हमें सफलता मिलेगी पार्टी इलेक्शन में, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर स्वामी ने ट्रिपल तलाक की बात की, डॉक्टर सिंघवी, एक वोट दिया, कोशिश कर रहे हैं कि इवन द माइनॉरिटी वोट हो उसको भी डिवाइड किया जाए ताकि जेंडर डिवाइड हो, विमेन बीजेपी की तरफ आए, उनका मेजोरिटी एजेंडा तो हो ही चल रहा है। तो आपको थोड़ा डर है कि आपका कहां पे वोट बैंक होगा? आपका बिल्कुल ग्राउंड फिसल रही है आपके नीचे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो अपीलिंग टू द पुअर पीपल, जो पहले प्रो पुअर कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। कम से कम ये आभास तो हुआ कि विभाजन के कई तरीके हैं, एक नया तरीका निकाला गया है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो ट्रिपल तलाक का समर्थन हमने बिल्कुल नहीं किया है। ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड दो अलग अलग चीजें हैं, ये जानबूझकर जोड़ी जा रही हैं। ट्रिपल तलाक अगर कानूनी रूप से असंवैधानिक हुआ है तो उस केस के दौरान और उस केस के स्पष्ट रूप से बाद में हमारे पोडियम से हमने कई बार उसकी सराहना की, समर्थन किया है। अगर इस देश के अंतर्गत ये असंवैधानिक है तो असंवैधानिक है, हमने इसमें राजनीतिक रोटियां नहीं पकाई हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर जैसा आपने अभी कहा, पूरी तरह से राजनीतिक रोटियां अगर पकाई हैं तो बीजेपी ने पकाई है। और मैं समझता हूं कि आप अगर दो दिन के मुल्ला बनने की प्रयत्न करें तो ये नहीं कि सभी मुल्ले आपके साथ आ जाएंगे। ये प्रयत्न है बीजेपी का कि कुछ दिखाना अल्पसंख्यकों को, ये प्रयत्न है, ये प्रयत्न है महिलाओं को कुछ दिखाना। लेकिन जो अंदर की एक सोच है कि ये देश में सबके पास वो बराबर हक नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको 24 घंटे अपना राष्ट्रवाद अपने शर्ट पे पहन के चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप क्या खाएं, कैसे खाएं, कब उठें, कहां जाएं, क्या कहें, क्या सोचें, वो मैं निर्धारित करूंगा। क्योंकि हमारे को एक यूनिफॉर्म भारत चाहिए, जो एक काल्पनिक भारत है, जो सत्य भारत नहीं है। इसलिए ये सब चीजें हैं, मैं समझता हूं लोग इसको देखते हैं, समझते हैं, और लोग घास नहीं खाते। ये नेशनलिज्म ऑन डिमांड का जो मूड चल रहा है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? आयु उसके सहमत में है कि हर चीज में आपको हम प्रूव करना पड़ता है कि यू नो कौन कौन परीक्षा ले रहा? कोई नहीं ले रहा है, ये जो संविधान में लिखी है उसी की बात कर रहे हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अनुसार हमने ट्रिपल तलाक को लाए,
आर्टिकल 25 में भी जो फंडामेंटल राइट है रिलीजन में, उनमें कहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ पर लगा सकते हैं। बोलने में भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 20 आर्टिकल 19 ब्रैकेट 2 में है, लीगली तो है। तो इसीलिए हम कैसे किसी को मजबूर कर सकते हैं जो संविधान में नहीं है? ये ऐसे ही ज्यादातर प्रचार में चल रही है। कोई पागल आदमी निकलता है उसको, वो कहता है जय श्री राम, तो ऑटोमेटिक बीजेपी का कैसा हो जाता है? वो बीजेपी के मेंबर है, कोई सिद्ध करे। अभी तक जो सारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश के समय में जो भी घटनाएं हुई उसके अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। एफआईआर फाइल करने के लिए भी कोर्ट को, अलाहाबाद हाईकोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा। तो इसीलिए इनके सरकार में कुछ होती है तो हमें वहां कोई जर्नलिस्ट कर्नाटक में उनकी हत्या हो गई तो कहते हैं कि हिंदुत्व ने किया, हिंदू लोगों ने किया, ये कैसा पता है? आज तक उन्होंने अपराधी को पकड़ नहीं सके उनकी सरकार रहते हुए। आज भी इनकी अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सरकार आई है तो उस करके दिखाएं। तो मैं कहता हूं आरोप लगाना बहुत आसान है और सारे कांग्रेस पार्टी की सारी राजनीति प्रोपेगेंडा है। और हमारी जो हिंदुत्व राजनीतिक रोटी पकाने की बात कर रहे हैं, हम तो राजनीतिक दल हैं ही, हमें पब्लिक को वो कहना चाहिए जो पब्लिक को पसंद है। और पब्लिक को जो उनकी अस्मिता को जब हम स्मरण दिलाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे हमारी शक्ति बढ़ते आई है। इसमें इसके ज्यादा कोई और उदाहरण और प्रमाण नहीं चाहिए कि इनके चार मंत्रियों, चार सांसद और चार एमएलए, सिर्फ 12 लोगों के अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ दें, इतने भद्दे हैं कि मैं उनको दोहरा भी नहीं सकता। यहां पर 2014 से आज 2019-18 तक सिर्फ इन 12 लोगों के सैंपल रूप से पढ़ दें तो इनकी मानसिकता प्रदर्शित हो जाती है। न इनको कहने की जरूरत है कुछ, तो मेरे को कहने की जरूरत है। नंबर एक, अब उनके नाम भी जानते हैं आप, उनके वक्तव्य भी जानते हैं आप, उनके शब्दावली भी जानते हैं आप। उससे अगर सोच नहीं आती है तो अब ये कहेंगे कि साहब ये तो जय श्री राम बोल रहा है, इसका मेंबरशिप कार्ड कहां है? ये वो लोग हैं जो मंत्री हैं आपके, चार सांसद हैं, चार एमएलए हैं, चार और चार और जोड़ दूं आपके ऑफिस बेयरर्स हैं आपके प्रदेश के। नंबर दो, जब भी ये 16 स्टेटमेंट्स आए, स्टेटमेंट्स वक्तव्य इस तरह के करीब 50 है, लेकिन जब ये 16 का उदाहरण लें तो हमारे सबसे मुखर और प्रखर प्रधानमंत्री जो बहुत जबरदस्त प्रभावशाली वक्ता हैं, वो चुप्पी साध देते हैं, न डांटते हैं, न फटकारते हैं, न हटाते हैं, न दंडित करते हैं, लेकिन आंख मूंद कर विद अ नॉड एंड अ विंक प्रोत्साहित करते हैं। इनको कहने को आपने हमेशा कहा है साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, अभी आपको वही आरोप वापस कर रहे हैं। नहीं, साइलेंट प्राइम मिनिस्टर तो आसान है कहने के लिए, उनको उसी समिति पर बोलना चाहिए। इनके प्राइम मिनिस्टर तो कुछ बोलते नहीं थे और बोलने के लिए परमिशन भी लेना पड़ता था। हमारी प्राइम मिनिस्टर को परमिशन किसी का नहीं देना। और दूसरा है कि यदि आप चार एमपी, चार मिनिस्टर्स, चार एमएलए की उदाहरण लेना है तो कांग्रेस से भी मैं निकाल सकता हूं। उन्होंने क्या नहीं बोला है, उनके बॉम्बे अभी पता नहीं अध्यक्ष हैं कि नहीं, बॉम्बे के अध्यक्ष क्या नहीं बोल चुके। हाँ, यस। तो इसीलिए उस पर नहीं जाना है। कोई ये बता दे, हम हमारी पार्टी में कोई कहते हैं उसका तुरंत एक्शन लेना है तो फिर आप कहोगे ये पार्टी तानाशाही कर रही है। एक्शन नहीं लेते हैं तो कहते हैं कि आप भी उसमें मिले हुए हैं। अब हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी पार्टी में किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। उनके लिए आसान है, एक परिवार है, वो जो फतवा आती है उसी को सबको मानना होता है। तो इसीलिए उसको फिर निकालने के लिए या एक्शन लेने के लिए उसको एक डिसिप्लिन कमेटी के पहले पाना जाना है, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव के पास जाना है। तो मैं समझता हूं कि इतना तो छूट देना चाहिए। और ऐसे कोई सीमा पार के कोई बोल दिया तो फिर यू गॉट, हमारी जो क्रिमिनल कोड है उसमें आप केस डाल सकते हैं। और हम नहीं डाल सकते तो ये डाल सकते हैं, ये भी नहीं डालते क्योंकि जानते हैं कि वो टिकेगा नहीं। एक थोड़ा सा बैक टू आज हमारा चर्चा है मोदी गवर्नमेंट एट फोर, लेकिन इसमें ऑपोजिशन एट फोर भी हो जाता है। उसमें वी सीन हाल में 5 महीने में राहुल गांधी यह सेट के मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बनूंगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन वॉज दैट अ गुड मूव कि इस समय बोलना एट अ टाइम जब कांग्रेस अपना बेस इकट्ठा कर रही है, उनको एलाइज की जरूरत है, एलाइज जैसे कि ममता बनर्जी जो
प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, दैट स्टेटमेंट एट दिस टाइम वॉज इट अ गुड आइडिया? ये वही विकृत वक्तव्य का विकृतता है जो अभी सुना आपने रोटेशन वाले प्रश्न के विषय में, कर्नाटक के 2.5 साल या 5 साल वाले प्रश्न में, ये उनके वक्तव्य का फिर विकृत करने वाली बात है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आंकड़े हमारे साथ होंगे तो निश्चित रूप से मैं जिम्मेवारी संभालने को तैयार हूं। क्या कहते वो, क्या प्रेस से लिख के कुछ बताते? और अगर कोई और उत्तर देते तो आप बिल्कुल इसका विपरीत प्रश्न पूछती। कह रहे भाई ये तो राजनीति में है, राजनीतिक लीडर है लेकिन तैयार ही नहीं है। सच क्या बताइए, तो क्या उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के आंकड़े क्या इग्नोर करेंगे हम, कांग्रेस क्या करती है कैसा करती है इग्नोर करेंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठा हूं यहां पर? तो ये तो गलत बात है ना, ये विकृत करने से फायदा क्या? लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आज 4 साल में इसमें कोई शक नहीं है, और आप अपने आप अपने हृदय को टटोल के सत्य आंसर आपके अंदर है, उत्तर आपके पास। 4 वर्ष पूर्व जिस जबरदस्त समर्थन के साथ मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, क्या आज उनके वापस बोलने की वही जो चीज वो बोलते हैं, क्या उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बहुत जबरदस्त तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहा है? क्या जो जुमले कहते हैं, जो वक्तव्य देते हैं, क्या उनमें खोखलापन नहीं लगता? क्या लोग प्रश्न नहीं पूछते कि बड़े प्रभावशाली वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, लेकिन जमीनी सच तथ्यों के आधार पर इतना कमजोर है? मैं 2 उदाहरण दूंगा सिर्फ। 4.2 हमारे पूरे वक्त कृषि की विकास थी, 4.2। अब मैं बता दूं आपको कि 4.2 कृषि सेक्टर में बहुत बड़ा माना जाता है, ज्यादा माना जाता है, ऊंचा माना जाता है, और इनके 4 साल में कितना है बताइए? 1.2। और इसमें मोदी जी कहते हैं बार बार कि 2022 तक मैं कृषक की इनकम को डबल कर दूंगा। तो किसी अर्थशास्त्री, तो बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है, एमिनेंट अर्थशास्त्री है स्वामी जी, उसने कहा कि अगर आप इस 1.2 की विकास की दर में डबल करेंगे 2022 तक, तो आपको लगभग 10% या 12% ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। रोजगार, इतने घिनौने आंकड़े हैं कि आप सब जानते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें, मैं बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री पहले पूर्व वाले चुप्पी साधते थे, कम बोलते थे, जब वो बोलते थे तो ठोस बोलते थे, उपलब्धियां बोलते थे, आंकड़े बोलते थे, हवा में नहीं बोलते थे। और मैं प्रेफर करूंगा हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री हो जो खोखले दावे न करे। लेकिन जो चुनाव तो फिर भी मोदी जी जीत रहे हैं ना, बीजेपी इफ ऑल दिस कर्नाटक में भी हम ही जीते हैं, हम सबसे आगे तो हैं। उस आधार पे तो नहीं, कहां से पहुंचे नहीं, तो उस आधार 40 से पहुंचे हैं। इस लॉजिक से आप उस आधार से 10 साल हमने हम भी जीते 10 साल। नहीं नहीं, वो अलग बात, मैं कह रहा हूँ मणिपुर में तो कुछ थे ही नहीं, हमारे पास कोई नहीं, कुछ नहीं था। अब ये मेड एन एंट्री, अगर आपने डबल किया अपना सीट तो देखिए प्रिया जी, हम भूल जाते हैं अभी ये नए नए कल के आए हुए लोग हैं, उससे पहले 10 साल सरकार हमारी थी, इतना गरूर इतना अहंकार 4 साल में। उस 10 साल में लगभग 18 असेंबली स्टेट्स जीते हम, 16 या 18 याद नहीं मुझे। तो ये बातें तो होती है राजनीति में, अरे भाई एक बार के आप बन गए सुल्तान तो आप समझते हैं कि हमेशा के लिए। डॉक्टर स्वामी, इतना अहंकार 4 साल में? नहीं, अहंकार नहीं है, हम लोग अपना शक्ति को जानते हैं और परिचित हैं। और इनका तो क्या है कि जो आपने प्रधानमंत्री के सवाल उठाया था अभी, राहुल गांधी ने जो बोला, अब उनके बोलने की क्या जरूरत है? सबको पता है कि परिवार से ही आएगा और कोई नहीं आएगा, तो उनको कहने की क्या जरूरत है? यानी परिवार के अंदर कोई झगड़ा है तो अलग बात है कि अब इसे वो अपना रिजर्वेशन कर रहे हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन ये इसी प्रकार से उनकी अहंकार यह है कि परिवार ही इस पार्टी को चलाएगी और इस परिवार में जो भी सही है, जो भी वो सही कहते हैं सही है। तो उस प्रकार से हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें बोलने के अधिकार है। और मेरी जैसे आपकी मैं तो पार्टी इनकी पार्टी की जैसे बन रही है, पावर ऑफ टू आपकी पार्टी में नहीं, आ रहा है। नहीं नहीं, मेरी जैसे कोई व्यक्ति उनके पार्टी में नहीं है। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है बताइए? ये तो आप बीजेपी वालों से पूछिए, इसे शुक्रगुजार है कि नहीं बोलो। लेकिन ये बड़ा, ये बार बार जो डायनेस्टी की बात होती है, इसमें जरा 2 मिनट लूंगा मैं, आपकी बड़ी अच्छी है, तालियां बजाने के लिए अच्छी है, लॉजिक के लिए कितना जरा सोचिएगा इसके बारे में। नंबर एक, जरा आप याद करेंगे कि कितने वर्ष हो गए जब से गांधी
प्रधानमंत्री नहीं रहा, कितने वर्ष हुए? आखिरी गांधी प्रधानमंत्री कौन था? कब थे? 84 से कब तक? 91. आज कितने वर्ष हुए 91 को? अच्छा, उस दौरान कांग्रेस की कितनी सरकार हुई है? आज 30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष में कांग्रेस की कितनी सरकार हुई है? कितने साल? तो ये वंशवाद अच्छा लगता है तालियों बजाने के लिए. दिमाग का इस्तेमाल करो भाइयों, दिमाग का इस्तेमाल करो. नंबर दो, ये बार बार डायनेस्टी की बात करते हैं. कभी इनको डायनेस्टी याद आती है जब भी आप इधर देखते हैं राइट में शिवसेना की तरफ, कभी डायनेस्टी याद आती है लेफ्ट में देखते हैं बादल जी की पार्टी की तरफ. ये तो हमारी जब आगे देखते हैं जिनके साथ गठबंधन था इनका जम्मू एंड कश्मीर में एनसी के साथ, तो ये डायनेस्टी का सिर्फ एक सिलेक्टिव रूप से हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं. नंबर तीन, कभी आपने सोनिया गांधी के बर्ताव में आंशिक एक दसवां हिस्सा अहंकार और गरूर देखा जो आप मोदी जी में देखते हैं? डेमोक्रेट कौन है? डेमोक्रेट कहने से कि मैं छाती ठोकू मैं डेमोक्रेट हूं, डेमोक्रेट हूं, डेमोक्रेट हो जाते हो आप? डेमोक्रेट एक सोच होती है, वो सोच समझ नहीं सकते मोदी जी. आज इस पार्टी में लोग कहते हैं, जो कहा ना शहीद अरुण शौरी जी ने कि दो लोग हैं सिर्फ, उन्होंने ढाई कहा था, मैं दो कर रहा हूं उसको. ये दो लोगों की पार्टी है, जो दो सीट थी इनकी 84 में. तो कभी हमारी पार्टी को आप दो लोगों की पार्टी कह सकते थे सिवाय इसके कि हाँ भाई गांधी का नाम है, आपको गांधी के नाम से चिढ़े? तो लॉजिक इस्तेमाल करें. दो लोगों की पार्टी जो अहंकार है, जो गणतांत्रिक एक मूल्य है, वो दिमाग और सोच और मानसिकता का होता है. आज मैं समझता हूं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इस देश के 71 वर्ष के इतिहास में केंद्र सरकार में डिक्टेटोरियल मानसिकता का और प्रतिशोध की भावना से सरकार चलाने का इससे बड़ा उदाहरण कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं. डॉक्टर साहब, एक चीज तो आप कर रहे हैं, सारे डायनेस्टिक अलायंस को तो आप अलग ही कर रहे हैं वन बाय वन. नहीं, हम अपनी पार्टी के बारे में बहुत कर सकते हैं, हम ये थोप नहीं सकते हैं कि दूसरे पार्टी जो हमारे साथ आते हैं उनमें परिवारवाद नहीं होना चाहिए. फिर तो कोई पार्टी हो ही नहीं. हमारी पार्टी को छोड़कर, बीजेपी पार्टी को छोड़कर कोई और पार्टी मुझे नहीं दिखता है जो परिवार के आधार पर नहीं चल रहा है. पार्टीज उनके साथ तो होगा. आज कर्नाटक में देवगौड़ा का वो भी वंशवाद पर चल रहा है, तो अखिलेश भी वही उसी पर आधार पर चल रहा है. तो या वो पार्टी के कोई वंश नहीं हो तो पार्टी जीत जाती है. तो हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसमें जो परिवार संगठन है उनकी भी आवाज होती है. कोई एक व्यक्ति इसको डिक्टेट नहीं कर सकता, जितना भी आप पोर्ट्रे कर सकें कि मोदी डिक्टेटर है, परंतु वो डिक्टेटर हो ही नहीं सकता इस सिस्टम में जो हमारी पार्टी की सिस्टम बनी है. एक चीज डॉक्टर स्वामी, लोग कहते हैं परसेप्शन जो मोदी जी का है, यू नो इट्स नॉट रियली द वाजपेयी मॉडल, लेकिन उनका इंदिरा गांधी से बहुत सारी तुलना की जाती है, इस पे आपकी क्या है? वो इमरजेंसी कभी डिक्लेयर कर सकते हैं. इंदिरा गांधी डिक्लेयर करेंगे सब हाँ में हाँ मिलाएंगे, ये भी आ जाएंगे वक्तव्य देने के लिए, दलील देने के लिए. हमारे पार्टी में कोई ऐसा कर नहीं सकता, तो वो इंदिरा गांधी का हो ही नहीं सकता. घोषित इमरजेंसी अब नहीं हो सकती, बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. आप निर्णय कर लीजिए कि अघोषित आपातकाल कितनी डिग्री तक है, और सत्य बोलिए तो अपने आप जर्नलिज्म के सेक्टर में पूछिए कि अघोषित आपातकाल कितना है. जरा पूछिए सिविल सोसाइटी के सेक्टर्स में अघोषित, और देखिए घोषित, जैसा मैंने कहा ना, अगर ये डिग्री कर ले लॉ के तो कानून के सब प्रतिबंध लगेंगे स्वामी जी पे. ये खुद जानबूझ के इतने अच्छे वकील हैं लेकिन डिग्री नहीं करते, क्योंकि जवाबदेही नहीं होती डिग्री नहीं है. तो अगर घोषणा कर दोगे आपातकाल की तो सभी प्रतिबंध अप्लाई करेंगे संवैधानिक. अघोषित का तो पावर अधिकार क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक होता है घोषित से, तो क्यों करेगा कोई आदमी घोषित? आज सच्चाई यही तो है कि अघोषित सोच मानसिकता वास्तव में आपातकालीन है. डॉक्टर सिंह, आई वांट वन मोर क्वेश्चन. ये जो आप एलायंस की बात कर रहे हैं, जो शो ऑफ हैंड्स हुए थे, लेकिन बीजेपी के कल मेरी बात हुई कोई वरिष्ठ नेता से, उन्होंने कहा है ये सब तो हमारे खिलाफ पहले भी लड़े थे, इवन इन 2014. व्हाट वाज द रिजल्ट? मोदी वन. सो दे कमिंग टुगेदर मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज ममता बैनर्जी का वोट शेयर कर्नाटक में तो होगा नहीं, एक स्टेट में फर्क पड़ेगा, वो है उत्तर प्रदेश. आज सच्चाई ये है प्रिया,
कि सबसे बड़ा आतंकवाद जो बीजेपी के अंदर फैलता है वो सिर्फ इस बात से कि सभी नॉन एनडीए नॉन बीजेपी लोग गठबंधन कर लें कहीं, सबसे ज्यादा तो भय है इस बात का। क्यों है? इसका तर्क बड़ा सरल है और अंदर सब जानते हैं, बोले नहीं वो अलग बात है। आप किसी भी प्रदेश में, भारत के किसी हिस्से में आंकड़े देख लीजिए, जहां त्रिकोण झगड़ा है या त्रिकोण से ज्यादा है, चार पार्टियों का, पांच पार्टियों का, हर जगह बीजेपी अगर अग्रसर होती है, फायदा लेती है या जीतती है, एक कारण से सिर्फ, एंटी बीजेपी वोट विभाजन हो जाता है। ये आप आंकड़े देख लीजिए, कर्नाटक के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, विभिन्न प्रांतों में देख लीजिए, गोवा तक में देख लीजिए, एंटी बीजेपी वोट का विभाजन को आधार लेके, उद्देश्य लेके ही बीजेपी सरकार बना सकती है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की नहीं, राजस्थान की नहीं, छत्तीसगढ़ की नहीं, मैं त्रिकोण और त्रिकोण से ज्यादा पार्टी वाली प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो भारत का अधिकतर हिस्सा है। तो निश्चित